एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना। वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना में आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मेरा इससे पहले वाला रीसेलिंग हॉल वीडियो काफी अच्छा गया है। पहली बार मैंने इतना ह्यूज रीसेलिंग हॉल वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया था। 30 आउटफिट दिखाए थे और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे 30 के 30 आउटफिट बिक भी गए और काफी अच्छा रिस्पांस रहा मुझे मेरे इससे पहले वाले ह्यूज रीसेलिंग हॉल वीडियो का। और इस मंथ का सेकंड रीसेलिंग हॉल वीडियो है ये और लास्ट रीसेलिंग हॉल वीडियो है इस मंथ का। अभी मैं आपको 30 आउटफिट दिखाऊंगी आज के हॉल वीडियो में भी। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। पेमेंट आप मुझे कर सकते हैं जीपे से या फोन पे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मेरे पास सीओडी जो है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मैं फ्यूचर में पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए सीओडी भी अवेलेबल कराऊं। मेरे पास हर एक जो आउटफिट है उसका सिंगल शेड है और सिंगल साइज जो है अवेलेबल है। जो भी ओरिजिनल प्राइस ऑनलाइन चल रहा है आउटफिट का और जो मैं रीसेलिंग प्राइस आपको ऑफर कर रही हूँ वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करूंगी। साथों साथ जिस आउटफिट में जो साइज मेरे पास में है वो भी मैं आपके लिए मेंशन करूंगी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो ये जो आउटफिट्स है मुझसे बाय कर सकते हैं, मुझे ऑर्डर आप इंस्टाग्राम पे प्लेस कर सकते हैं। 10 डेज के अंदर अंदर आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा। पहले 7 डेज के अंदर भी हो जाता था बट क्योंकि बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश चल रही है सब जगह, तो कहीं कहीं जगह थोड़ा कोरियर जो है लेट डिलीवर हो रहे हैं, इसलिए 10 डेज का मार्जिन अभी मैं लेके चल रही हूँ कि 10 डेज के अंदर आपको आपका पार्सल मिलेगा। आपका पार्सल जब निकलेगा तब आपके फोन पे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा ट्रैकिंग लिंक, जिससे आप ट्रैक कर पाएंगे आपका पार्सल कब है, कहाँ है और कहाँ कहाँ घूमता घुमाता आपके पास कब तक पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि नो एक्सचेंज है, नो रिटर्न है, नो रिफंड पॉलिसी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी कम प्राइस में आपको ये आउटफिट जो है दे रही हूँ तो मैं इसे रिटर्न नहीं ले पाऊंगी। रिफंड इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आपके यहाँ से पार्सल दोबारा पिकअप नहीं कर पाऊंगी और मेरे काफी अच्छे खासे कोरियर चार्जेस मुझे पे करने पड़ते हैं तब जाके आप तक मैं आपके पार्सल को पहुंचा पाती हूँ, इसलिए आउटफिट वापस लेके आपको रिफंड भी नहीं कर पाऊंगी। साथ साथ एक्सचेंज भी इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर एक आउटफिट का एक सिंगल मेरे पास में साइज अवेलेबल है, तो एक्सचेंज भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। बाकी हमेशा रीसेलिंग वीडियो में ये रहता है कि काश आप एक्सेल लेके आते, डबल एक्सेल लेके आते। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एम और एल ही मेरे चैनल पे दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैं आउटफिट आपको वेयर करके दिखाऊंगी अगर वो मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा तो आप कैसे उसे आपके लिए बाय करेंगे। इसलिए मेरे पास रीसेलिंग में भी मीडियम और लार्ज साइज ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आउटफिट मुझे अच्छा लग रहा है और मैं एक्सेल या डबल एक्सेल अपने लिए लेना चाहती हूँ या फिर स्मॉल लेना चाहती हूँ, तो जितने भी आउटफिट हैं सबके वेबसाइट्स के लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डायरेक्टली जाके आपका ऑर्डर जो है अमेजोन, मीशो या मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे, जहां से भी आउटफिट आपको पसंद आता है वहां से आपका साइज जो है ले सकते हैं फ्रेश पीस। ये एक बात और बता देती हूँ कि सभी आउटफिट्स जो है जरूरी नहीं है उनमें टैग लगा हुआ हो, कुछ में टैग लगा हुआ भी होता है, कुछ में टैग टूट जाता है जब हम ट्रायल करते हैं, बाल बाल में भी अड़ जाता है कई बार चेंज वेंज करने के टाइम पे भी, इसलिए टैग कई बार टूट भी जाता है। और आप भी जानते हैं कि कई ऐसे लोकल वेंडर्स भी हैं जो आउटफिट्स देते हैं तो मीशो से बाय किए हुए आउटफिट्स में या कई बार अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए आउटफिट्स में भी टैग नहीं लगा हुआ आता है, इसलिए सब में आपको टैग मिले ये जरूरी नहीं है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में टैग नहीं है और आप उसे खरीद रहे हैं तो ये मत सोचिएगा उसे बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है इस वजह से में टैग नहीं है। टैग इन रीजंस की वजह से नहीं होता है कि अगर लोकल वेंडर है, ब्रांडिंग नहीं है तो वो टैग्स नहीं देते हैं और कई बार टैग हमारे भी ट्रायल में टूट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हमारा आज का रीसेलिंग हॉल वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत सुंदर सूट है, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का आपको मिलने वाला है। इसमें टैग लगा हुआ है और ये एल साइज में है, गो सिरी की ब्रांड का है। येलो ग्रीन मिक्स शेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो सूट है ये बहुत सुंदर है, इसे मैं अंडर 700 रुपीज ही सेल कर रही हूँ। नेकलाइन पे अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है एंड लिटरली ये इतना सुंदर पीस है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप कोई और शेड भी आपके लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेरे पास में बस ये इसी शेड में अवेलेबल है, प्लेन है बाकी सूट। इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो इसका ये नेकलाइन का एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है जिसकी वजह से ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। साथ साथ इसके जो कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा है ना, इसी की वजह से ही मैंने इसे अपने चैनल पे रिव्यू किया था एंड ट्रस्ट में ये बहुत सुंदर लगता है,
ट्रायल्स आपको सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप ट्रायल आराम से देखिए, फिर आपको जो सूट पसंद आए उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। सेम कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का आपको बॉटम मिलता है, इसके बॉटम में पॉकेट है, अच्छी खासी स्ट्रेचेबल इलास्टिक है और इस तरीके से पैंट स्टाइल आपको ये बॉटम मिलता है। इसका ओरिजिनल प्राइस और रीसेल प्राइस यहाँ मैं स्क्रीन पे आपके लिए मेंशन कर दूंगी, आपको पसंद आए तो आप लीजिएगा। ठीक है, ये रहा एक और पार्टी वेयर सेट जो आप राखी के लिए चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। ब्रिडी वोगल ब्रांड का है ये, कॉटन सिल्क जैकवार्ड मिक्स फैब्रिक में आपको मिलता है और बहुत अच्छा है। बॉटल ग्रीन शेड में है ये, मैंने 3-4 शेड्स में मेरे चैनल पे दिखाया था और बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। और ये मेरे पास 1 सिंगल साइज में है, ये एल साइज में मेरे पास में है। ये एक्चुअली मैंने 2 बार बाय किया था मेरे लिए, पहले मैंने एल में बाय किया, तब मेरा थोड़ा सा वेट कम था तो मैंने एल में आप लोगों के लिए रिव्यू किया था मेरे चैनल पे। देन थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया बट मुझे ये सूट बहुत पसंद था तो मैंने एक्सेल साइज पर अपने लिए बाय किया, बिकॉज ऑफ बस्ट साइज थोड़ा मेरा इंक्रीज हो गया था, उस वजह से मैंने फिर एक्सेल बाय किया। तो ये चीज है, तो ये एल साइज में अभी फिलहाल मेरे पास में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं पूरा सूट जो है इस तरीके से वुवन वर्क के साथ आपको मिलता है। इसकी नेकलाइन पे जो काम है ना, सॉलिड काम है, सॉलिड। आप देखो कितना सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। इसकी जो स्लीव्स है उसमें आपको अस्तर नहीं मिलता है, ठीक है। रेस्ट जो पूरा सूट है पूरा वोवन वर्क से भरा हुआ है, तो ये गोल्ड फॉइल प्रिंट नहीं है दोस्तों, तो ये खराब नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और पूरा आगे से भी वोवन वर्क आपको मिलता है, बहुत सुंदर सूट है। इसके ओरिजिनल लिंक पे जाके भी आप इसके रिव्यूज फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज है सारे ही शेड्स में इस सूट के। अंदर की तरफ आपको यहाँ सूट में लाइनिंग मिलती है बट याद रखिएगा आपको स्लीव्स में लाइनिंग नहीं मिलती है। और ये है इसका दुपट्टा, पूरा वोवन वर्क वाला विद टैसल्स, बहुत सुंदर है। साथ में आपको सेम फैब्रिक का शाइनी बॉटम मिल जाता है, शाइनी फैब्रिक का बहुत सुंदर पीस है ये, बहुत सुंदर। और ये राखी के लिए आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस का काम भी मिलता है। ओरिजिनल प्राइस और रीसेलिंग प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे है। ओ माय गॉड, अब आया है सबसे बेस्ट आउटफिट, मैं कहूंगी इसे कोई मत छोड़ना यार, जो इसे ले लेगा ना वो बेस्ट पीस उठाएगा इस ऑल वीडियो से। आपको याद होगा ये वाला चिकनकारी सूट था गो सिदी की ब्रांड का, जिसने धूम मचाई थी। इसमें मैंने 3 शेड्स मेरे चैनल पे दिखाए थे, इसमें टैग अवेलेबल है, एल साइज में है ये। ये आपको मिलता है कॉटन रेयन ब्लेंडेड मटेरियल का ही ऑसम पीस है। इसमें मेरे पास पिंक था वो भी सोल्ड हो गया था, आई गेस इसमें ग्रीन था वो भी सेल हो गया था। अब ये जेट ब्लैक शेड में है, चिकनकारी वर्क इस पे धांसू मिलता है, बेज इसमें एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है और सेम ट्रांसपेरेंट जो सीक्वेंस होती है ना उससे इस पे पूरा सीक्वेंस वर्क आपको देखने के लिए मिलता है। एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखो यार इस सूट में ना, एक अलग ही बात है, बहुत ही प्यारा सूट है ये, पूरा आपको ना एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलेगा। ब्लिंक आप देखो पूरा सीक्वेंस है, ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस होता ना वो पूरा आपको फ्रंट पे स्टिच करके मिलता है बेज थ्रेड से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में। और ये पीस अल्टीमेट पीस है, स्लीव्स में फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपको मिलेगा वर्क, बैक साइड से कुर्ता जो है प्लेन है। और ये है इसका बॉटम, ठीक है ना, ये भी आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक का ही मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको इसमें लेट मी सी पॉकेट है क्या, हाँ जी इसमें पॉकेट आपको मिल जाती है और जेट ब्लैक शेड का बॉटम है। डेफिनेटली बाय कर लेना, बिल्कुल छोड़ना मत यार। ये इसका सिंपल जेट ब्लैक शेड का दुपट्टा है, इसमें ये समोसा लेस है गोल्डन जो लगी हुई है और सूट पीस फाड़ू है, फाड़ू। मुझे पर्सनली ये सूट बहुत पसंद है। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ, ये मैंने मीशो से बाय किया था और ये वाला जो है ना ये जॉर्जेट मटेरियल का है, गाउन है ये। इसके साथ में आपको व्हाइट प्लाजो खुद से पेयर करना पड़ेगा, टैग इसमें भी आप देखेंगे तो लगा हुआ है। और ये भी राखी के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। याद रखिएगा ये कैमरे में आपको थोड़ा ब्लू शेड में ज्यादा दिख रहा है बट ये पर्पल और ब्लू का मिक्स शेड है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो नेकलाइन पे पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है और ये पूरा आपको इस तरीके से डिजाइन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें अस्तर नहीं है, लेकिन बाकी जो पूरा गाउन है उसमें आपको अस्तर मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा ये प्रिंटेड गाउन आपको मिलता है, नीचे की तरफ आपको लेस लगी हुई मिलती है गोटा पट्टी वाली, अंदर की तरफ इसमें आपको अस्तर मिल जाता है। याद रखिए कैमरे में ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लू टोन में दिख रहा है बट ये पर्पल है, पर्पल शेड है, ठीक है। और
बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी आपको सेम इस तरीके से लहरिया डिजाइन इसमें भी देखने के लिए मिलता है। फ्लेयर काफी अच्छा है, काफी प्यारा पीस है ये। इसके साथ में आप याद रखिए आपको बॉटम नहीं मिलता है, और यहाँ पे इस गाउन के साथ में आपको इस तरीके से बेल्ट भी मिल जाती है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया वाली बेल्ट है, पूरी सिक्योर बेल्ट है, बहुत फिनिशिंग है बेल्ट में, और साथ में आपको नेट का दुपट्टा मिल जाता है जिसमें अगर आप देखेंगे तो गोटा पट्टी लेस लगाई गई है। ट्रायल आपके सामने है स्क्रीन पे, ये भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मेरे पास में नेक्स्ट एक और सूट है, ये है गो सिरी की ब्रांड से, एल साइज में है मेरे पास में ये। मैंने अपने इससे पहले वाले रीसेलिंग हॉल वीडियो में ही पिंक शेड अभी सेल किया था। ये सूट जो है ये भी मेरे पास दो था, एम में भी और एल में भी। इससे पहले पहले वाले रीसेलिंग हॉल वीडियो में मैंने मीडियम साइज जो था वो सेल कर दिया था। अब मेरे पास में ये सूट एल साइज में आप लोगों के लिए है, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का है। ट्रस्ट में ये सूट बहुत सुंदर है, और ये भी राखी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। येलो के ऊपर इतना प्यारा लग रहा है कलरफुल फ्लोरल प्रिंट, क्या बताऊं मैं आपको। और ये नेकलाइन पे अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से गोल्डन जरी वर्क से आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने के लिए मिलता है। इस सूट का फ्लोरल प्रिंट जो है ना वो माइंड ब्लोइंग है। कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का सूट है, एल साइज में है, फैब्रिक अल्टीमेट है, एंड लुक भी इसका बहुत प्यारा। और ये है बेल्ट और इलास्टिक वाला बॉटम, बॉटम की क्वालिटी अमेजिंग है, और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें पॉकेट भी। और ये है इसका सुंदर दुपट्टा, दुपट्टे में आप देखो शाइन जो है वो सीक्वेंस है जो स्टिच की हुई है, साथ में गोल्डन समोसा लेस का काम है। नेक्स्ट रतन ब्रांड का आपको एक सूट दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर पीस है, और ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्यारा है, ये आप देखिए कितना सुंदर है। अच्छा लेट मी सी, अच्छा इसमें टैग नहीं है लगा हुआ, और ये मीडियम साइज में है मेरे पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ये सूट कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, और ये देखिए पूरा सूट जो है उसमें इस तरीके से बहुत सुंदर आपको सटल फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है। बैक साइड से आपको दिखाती हूँ, काफी अच्छा खासा लो नेक आपको मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे डोरी के साथ में टैसल मिल जाता है, और पूरा ये ए लाइन आपको कुर्ता मिलेगा जिसमें इस तरीके से आपको प्रिंट मिल जाता है। साथ में आपको ब्राउन शेड का बॉटम मिल जाता है, ठीक है ना। लेट मी सी इसके बॉटम में कोई पॉकेट है क्या, नहीं इसके बॉटम में आपको पॉकेट नहीं मिलती है, और इस तरीके से आपको बॉटम मिल जाता है प्रिंटेड। और ये आपको ना कॉटन मिक्स मटेरियल का मिलेगा, रेयन नहीं है इसमें, बट आधे से ज्यादा ये प्योर कॉटन है, बट थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा कोई और फैब्रिक भी मिक्स है, बट प्योर कॉटन भी नहीं कहूंगी मैं इसे। इसका दुपट्टा जो है वो प्योर कॉटन मटेरियल का है, ठीक है ना। इस तरीके से बॉर्डर का डिटेलिंग है, बट ओवरऑल बहुत सुंदर पीस है और बहुत सही क्वालिटी है इसकी। इसका भी ओरिजिनल प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन है रीसेलिंग प्राइस के साथ में, आप चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है अब ये वाला पीस कलोसिया ब्रांड का, ये आपको खादी कॉटन मटेरियल का मिलने वाला है सूट, और ये भी बहुत सुंदर है, और ये प्लेन व्हाइट बेस है इस सूट का। इस तरीके से आपको प्रिंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे स्लीव्स में क्रोशिया के लेस के साथ में आपको डिजाइन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में भी आपको बहुत सुंदर प्रिंट मिल जाता है, सेंटर में आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, खादी कॉटन मटेरियल का है, साइड स्लिट्स में भी अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर की डिटेलिंग आपको मिल जाती है। सूट एक्सट्रीमली एलिगेंट है, धासु पीस है, मेरे पास में ये एल साइज में अवेलेबल है, ठीक है जी। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, सेम प्रिंट है। डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा इनर का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि ये व्हाइट है तो ट्रांसपेरेंट तो ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है। ये है कोटा डोरिया फैब्रिक का दुपट्टा इसके साथ में, जिसमें आपको टैसल्स भी मिल जाते हैं, लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की बहुत अच्छी है, और सेम खादी कॉटन मटेरियल का ही आपको बॉटम मिल जाता है, प्रिंटेड इलास्टिक है, बट डोंट वरी फैब्रिक अमेजिंग है इसका भी, बहुत अच्छा है, ये भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पीस गो सिरी की ब्रांड का ही आपको दिखाती हूँ, और ये कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का आपको मिलने वाला है, बहुत सुंदर पीस है ये भी। ये मेरे पास दो शेड्स में था, इससे पहले वाले रीसेलिंग हॉल वीडियो में मस्टर्ड येलो शेड में था ये, वो सेल हो गया, अब ये ब्लैक और रेड में मेरे पास में है, एल साइज में मेरे पास में ये अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ तो नेकलाइन में आप देखिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, सूट बहुत सुंदर है, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल बहुत अच्छा है, प्रिंट ओवरऑल बहुत ही यूनिक है, आप ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे हैं। बैक साइड से भी आपको इसमें इस तरीके से सेम प्रिंट मिल जाता है, स्ट्रेट कुर्ता सेट है, ठीक है।
साथ में आपको प्रिंटेड बॉटम मिलेगा, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ही इलास्टिक है, पैंट स्टाइल आपको बॉटम मिलता है और इसके साथ में आपको मिलता है ये बहुत सुंदर सा दुपट्टा। बॉर्डर की डिटेलिंग भी है, लंबाई चौड़ाई भी सब बहुत अच्छा है। इसे भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे है। नेक्स्ट पीस आपको दिखाती हूँ, ये रिसेंटली मैंने अभी बाय किया था अहिका ब्रांड से, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का सूट है ये, मोविश पिंक शेड का आपको ये मिलता है। बहुत प्यारा पीस है, बहुत ही एलिगेंट पीस है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें अंबी का डिजाइन मिल जाता है, पूरा सूट आपको मिलता है स्ट्रेट इस तरीके से प्रिंटेड मिलेगा और ये भी फ्रंट और बैक से सेम प्रिंट है। ठीक है जी, ये मेरे पास में सूट अवेलेबल है एल साइज में, टैग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर सूट है ये, ऑफिस वगैरह में अगर आप पहनेंगे तो काफी प्यारा लगेगा। और कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल है, इसका भी लिंक जो है मैंने दे दिया आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे पूरी डिटेल्स जो है सूट की चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सुंदर इसका दुपट्टा है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और सेम आपको प्रिंटेड बॉटम मिलेगा, बेल्ट इलास्टिक का काम है और ये आपको पैंट स्टाइल बॉटम मिलता है, पॉकेट है, पॉकेट नहीं है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट ये सूट मुझे पता है कि लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि क्या हुआ जैसे ही मैंने ये वाला सूट दिखाया था ना तो यार ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, हार्डली इसमें दो तीन साइजेस अवेलेबल थे ही नहीं, साइजेस खट से गया। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने इसे डाला, मुझे ये सूट खुद के लिए रखना था, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। बट मैंने देखा ना कि काफी सारे लोगों ने लिखा कि यार ये सूट आउट ऑफ स्टॉक है, हम ले ही नहीं पाए, तो मैंने सोचा यार मैं किसी एक को तो खुश कर सकूं, तो चलो मैं किसी एक को तो दे पाऊंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मीडियम साइज में है मेरे पास, गोसिरी की ब्रांड से है, टैग लगा हुआ है, अमेजिंग कुर्ता सेट है और ये भी राखी के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे कोटा पट्टी लेस का काम है, ये आपको कॉटन सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का मिलेगा, फॉल्स मिरर्स के साथ में एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं ये सारे सीक्वेंस है जो साइड्स में लगे हुए हैं। सूट पीस बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। ठीक है जी, बैक साइड से आपको दिखाती हूँ, बैक साइड से प्लेन है, इसके साथ में आपको सेम फैब्रिक का ये मिल जाता है बॉटम, बॉटम में इलास्टिक है, पॉकेट है, इस तरीके से आपको बॉटम मिलता है। फैब्रिक थोड़ा सा लाइट है बट ब्रीथेबल है, कंफर्टेबल है, पहनने के बाद में आप यहाँ ट्रायल में देखिए सूट सच में बहुत प्यारा लग रहा है। ये स्टील डील है और आप इसके अमेजोन पे जाकर रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज काफी अच्छे थे इस सूट के। ये है इसका सुंदर सा दुपट्टा, ब्राइट पिंक शेड का, यहाँ पे गोटा पट्टी का काम है, बीच में सीक्वेंस का काम भी है। तो ये सूट भी अगर आप चाहें तो मीडियम साइज में है मेरे पास में, ले सकते हैं, प्राइस आपके लिए इसका भी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का एक और सूट जो कि फिलहाल अभी अमेजोन पे ट्रेंडिंग में था दो शेड्स में, मेरे पास में ये अवेलेबल है। इसके भी रिव्यूज आप अमेजोन पे देखिए, मीशो पे देखिए, सब तरफ बहुत अच्छे हैं। सूट एक्सट्रीम पॉपुलर था, क्रीम शेड में भी लॉन्च हुआ था और ग्रीन में भी लॉन्च हुआ था, इसमें अंदर अस्तर भी लगा हुआ है। ये एक सिंगल पीस मेरे पास में अवेलेबल है एल साइज में, यस ठीक है ना, इसमें टैग है कुर्ता सेट में लगा हुआ और बैक साइड से ये आपको मिलता है बॉटम, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ही सॉफ्ट फैब्रिक है, इलास्टिक आपको मिल जाती है, बॉटम में पॉकेट भी है, प्लेन बॉटम आपको मिलेगा और ये ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का आपको दुपट्टा मिलेगा। इसका जो दुपट्टा है ये आपको स्टॉल टाइप दुपट्टा मिलता है जिसकी लंबाई अच्छी है लेकिन चौड़ाई जो है वो कम है, ये आप चाहे तो ले सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये भी कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का सूट है, रॉयल ब्लू शेड में आपको मिल जाता है और सुंदर पीस है ये भी। इसमें मरून था पहले जो मैंने सेल कर दिया था, अब ये ब्लू है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्डन जरी वर्क का काम है जो आपको फ्रंट पोर्शन पे पूरा देखने के लिए मिलता है, इसमें टैग लगा हुआ है, ये मेरे पास में है मीडियम साइज में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गोल्डन जरी वर्क है जो आपको फ्रंट में इस तरीके से फ्लावर के डिजाइन में देखने के लिए मिलता है और नेकलाइन पे बॉर्डर की डिटेलिंग में देखने के लिए मिलता है। बहुत प्यारा पीस है ये भी बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद में। यहाँ पे आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है स्लीव्स में, बैक साइड से कम्प्लीटली ये प्लेन है, साथ में कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ही बॉटम है, इलास्टिक है, पॉकेट भी है, प्लेन आपको इस तरीके से बॉटम मिलेगा। नेट का दुपट्टा आपको मिलता है जिसमें यहाँ पे गोल्डन जरी वर्क से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको मिलता है। ठीक है, ये पीस भी अच्छा है, सिंपल सोबर है और बहुत अट्रैक्टिव है।
नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मीशो से लिया था। ये सूट काफी अफोर्डेबल है, ये शायद 350 समथिंग का है जो मैं सेल कर रही हूँ, काफी कम प्राइस में सेल कर रही हूँ मैं। ये भी आपको खादी कॉटन मटेरियल का मिलने वाला है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो इसका कुर्ता जो है लेंथ में आपको काफी अच्छा खासा आ जाएगा। ट्रायल में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है तो मुझे कुर्ते का लेंथ कम आ रहा है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5 है, 5'3 है, 5'2 है, इतनी अगर आपकी हाइट है तो कुर्ते का लेंथ आपको काफी अच्छा आएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं, सूट बहुत सुंदर है, खादी कॉटन मटेरियल का मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 3-4 शेड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये इसमें सूट में शाइन भी अच्छा है, वुवन वर्क है, लाइंस है जो शाइन कर रही है वो सेल्फ है फैब्रिक में। ये आपको शो के लिए बटन्स मिल जाते हैं। इस तरीके से ये सूट है, बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत प्यारा पीस। और इसके साथ में आपको मिलता है कॉटन मटेरियल का बॉटम, बेल्ट और इलास्टिक दोनों है, इसमें पॉकेट भी है। और इस तरीके से बेबी पिंक का शेड का आपको बॉटम मिलता है, और इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। मतलब 350-360 रुपीज में सूट वर्थ है, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मैंने खुद मीशो से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मिल सकती है, बट आया था और बहुत सही है ये सूट। ये भी अगर आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ही कुर्ता बॉटम का सेट है, रेगुलर वेयर डेली वेयर के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज में मेरे पास में अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये प्रिंटेड मिलेगा कुर्ता सेट, ठीक है ना। स्ट्रेट कुर्ता सेट है आपको ये मिलता, और फ्रंट पे और बैक में दोनों तरफ आपको इस तरीके से प्रिंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। साथ में इसके आपको मिलता है प्रिंटेड बॉटम इस तरीके से, इसमें इलास्टिक है। ये मेरे पास में है मीडियम साइज में, और पैंट पूरा आपको इस तरीके से प्रिंटेड मिलेगा। और नेक्स्ट पीस आपको जो मैं दिखा रही हूँ वो ये वाला है, इसे मैंने मीशो से जस्ट अभी रिव्यू ही किया था। इसका रेयॉन मटेरियल बहुत प्यारा आया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके भी रिव्यूज मीशो पे बहुत अच्छे थे। तो आई थॉट कि मैंने कहा कि अगर इतने लोगों को पसंद आ रहा है तो भाई मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पिक किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको सिल्वर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी मिलता है फॉल्स मिरर्स के साथ में सीक्वेंस लगा के नेकलाइन पे। तो ये है इसकी नेकलाइन। बात करती हूँ तो ये भी मेरे पास एल साइज में अवेलेबल है। प्रिंट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको गोटापट्टी लेस का काम मिल जाता है। स्ट्रेट कुर्ता सेट है ये, आप देखिए फ्रंट में और बैक में आपको इस तरीके से सेम फ्लोरल प्रिंट जो है वो मिलता है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड तक। बॉटम इसका बहुत प्यारा है, ये भी आपको रेयॉन मटेरियल का मिलता है, प्रिंटेड इस तरीके से इलास्टिक आपको लगे हुए मिलती है। क्लोज लुक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बारीक प्रिंट है ना, तो आप अच्छे से देखिए कि क्या प्रिंट मिलता है। नीचे की तरफ आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी रीसेल में अच्छा है। तो चाहे तो आप इसका ऑर्डर मुझे दे सकते हैं। और ये है दुपट्टा जिसमें आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो ये लिबास ब्रांड का कुर्ता शरारा सेट है यारो, इसको मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है ना। ये लाइट बेबी पिंक शेड में आपको मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें टैग लगा हुआ है, ये मीडियम साइज में है, एक्स्ट्रा बटन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक का मिलता है, अमेजिंग शाइन है, इसकी बात ही अलग है। आप यहाँ पे देखो पूरा गोटापट्टी फ्लावर्स हैं जो आपको मिलते हैं फ्रंट पे। ये आपको शॉर्ट कुर्ता मिलता है, फैबुलस पीस है। ऐसा कुर्ता शरारा सेट लिटरली आपको 1100 रुपए में मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो भी ब्रांडेड, बट मैं दे रही हूँ तो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लीव्स जो है उसमें भी गोटापट्टी फ्लावर इतना बड़ा बड़ा बनाया गया है, समोसा लेस का काम है फैब्रिक में। आप देखो खुद शाइन कितना अच्छा है। ये जो शॉर्ट कुर्ता है इसमें आपको अंदर की तरफ अस्तर भी मिल जाता है, बैक साइड में ये जो साइड स्लिट्स हैं इनमें आपको दोनों तरफ समोसा लेस का काम मिल जाता है। बहुत प्यारा है यार ऐसा शरारा सेट 1100 में, मतलब वर्थ इट है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। मीडियम साइज में है, बेल्ट इलास्टिक का काम है, शरारे में अंदर अस्तर है, साइड में यहाँ पे शरारे में पॉकेट भी है दोनों तरफ पॉकेट है। और ये है इसका बॉटम यार, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पीस है, ठीक है। राखी आ रही है, मीडियम साइज में है, 1100 रुपए में है, छोड़िएगा बिल्कुल मत। और ये अच्छा खासा फ्लेयर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और कितना सुंदर आप गोटापट्टी का लेस का काम है दोनों तरफ आगे और पीछे बॉटम में, ठीक है। देख लो आपका मन करे
तो जरूर ले लो, कुछ 1100 या 1150 का कुछ मैंने इसे लगाया है। एग्जैक्ट प्राइस आपके लिए मैं स्क्रीन पे यहाँ मेंशन करूंगी, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा है आउटफिट का वही सही प्राइस है, क्योंकि इतने सारे कपड़े रहते हैं तो मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस आउटफिट्स के याद नहीं रहते हैं, इसलिए जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखेगा वो राइट प्राइस है आउटफिट का, वही आपको मुझे पे करना है। तो आप इसको चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, बहुत सुंदर अल्टीमेट पीस है ये। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये है रंगीता ब्रांड से कुर्ता सेट, मीडियम साइज में है मेरे पास में ये, और ये आपको रेयन मटेरियल का मिलता है, टैग इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग नेकलाइन में देखने के लिए मिलती है, बहुत सुंदर पीस है। यहाँ पे आपको ये प्रिंटेड मिल जाती है स्लीव्स, इसका नेकलाइन जो है काफी प्यारा डिजाइन किया गया है, यहाँ पे पूरा थ्रेड वर्क के साथ में फॉल्स मिरर्स है, सीक्वेंस का काम है, ब्लिंक नेकलाइन में अच्छा है, और इस तरीके से आपको ये साइड में बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है। इसका भी रेयन मटेरियल जो है काफी प्यारा है, काफी सॉफ्ट है। बैक साइड से कुर्ता जो है आपको कम्प्लीटली प्लेन मिलता है, साथ में आपको प्रिंटेड रेयन मटेरियल का ही बॉटम मिल जाता है इस तरीके से, मीडियम साइज में है। अगर आप इसे भी चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा प्लाजो स्टाइल आपको इसका बॉटम मिलता है, ठीक है ना। इलास्टिक भी काफी अच्छी है, और नीचे प्लाजो में फ्लेयर भी अगर आप देखेंगे बॉर्डर की डिटेलिंग के साथ तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ गाउन, ये मैंने लिया था मीशो से एल साइज में, बहुत सुंदर पीस है ये भी। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्डन बड़े बड़े रोजेस हैं जो बने हुए आपको मिलते हैं, इसमें आपको शॉर्ट स्लीव्स मिलती हैं इस तरीके से, मैंने गोल्डन बेल्ट के साथ में पेयर किया था इसे, ये बहुत अच्छा है। इसमें एक बहुत सही ओम्बरे इफेक्ट है, देखो ऊपर डार्क है नीचे जाते जाते लाइट हो जाता है, बहुत सुंदर गाउन है। इस गाउन में बहुत प्यारा शाइन है और ये बहुत अच्छा है, इसमें अंदर अस्तर भी है। गाउन का लेंथ जो है मीडियम है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है गाउन, छोटा भी नहीं है, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट आएगा, क्योंकि हर कोई 2-3 इंच का हील तो पहनता ही पहनता है, ठीक है ना। बैक साइड से बात करूं तो बैक साइड से भी आपको गोल्डन जरी वर्क का काम गाउन में देखने के लिए मिलता है, लिटरली पीस बहुत ज्यादा प्यारा है, ये पहनने के बाद में बहुत कमाल का लगता है, बहुत ज्यादा कमाल का। एल साइज में मेरे पास में है, आप लेके देखो, आप जब ये गाउन पहनोगे ना लोगों को बहुत पसंद आएगा, जस्ट बिकॉज इसमें ये जो वो है ना कलर शेडिंग, ये बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी, फैब्रिक भी अच्छा है, पहनने में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि डेफिनेटली ट्राई करना चाहे तो आप राखी के लिए इसे लेके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ इंडोएरा ब्रांड का सूट, और ये भी मेरे पास में दो थे, पहले मैंने इसे मीडियम में लिया था, बट उसके बाद में फिर थोड़ा सा वही बात होगी, मेरे हेल्थ बढ़ गई तो मैंने इसे एल में बाय कर लिया, तो ये मीडियम वाला मेरे पास में अवेलेबल है आपके लिए, इसमें टैग नहीं है ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको टाई एंड डाई प्रिंट में मिलता है, सॉफ्ट लाइट वाला जो कॉटन मटेरियल होता है ये वो वाला है, मोटा वाला कॉटन नहीं है, थिन सॉफ्ट वाला जो कॉटन है वो है ये, ठीक है। बट कंफर्टेबल बहुत है, बहुत प्यारा पीस है ये, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे लेसिस का काम आपको मिल जाता है, पूरा नेकलाइन आप देखिए कितना बड़ा पैच है जो आपको मिलता है। इसका भी बहुत अच्छा खासा सेल हुआ था जब मैंने इसे अपने चैनल पे दिखाया था, इसे मैंने अमेज़न से रिव्यू किया था, पूरा आगे इतना बड़ा पैच है जिसमें पूरा सीक्वेंस है, जरी वर्क का काम है, बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो बेज और पिंक का आपको काम देखने के लिए मिलता है, बहुत सुंदर टाई एंड डाई प्रिंट है ये, इसका शरारा बहुत सुंदर है, ये भी आप पहनेंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। इसमें इलास्टिक है, आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बेल्ट का काम है, और ये है फ्लेयर, जैसा कि मैं कह रही हूँ सॉफ्ट वाला कॉटन मटेरियल है, बहुत ब्रीथेबल फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। और साथ में आपको मिलता है दुपट्टा जिसकी लंबाई अच्छी है, चौड़ाई कम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेस का काम है, गोल्डन लेस का, और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से मिल जाते हैं टैसल्स। इसका भी ओरिजिनल प्राइस स्क्रीन पे है, चाहे तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिखा रही हूँ ये भी बहुत सुंदर पीस है, बहुत सुंदर, ये भी आपको कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का मिलने वाला है, गो सिरी की ब्रांड से है, मीडियम साइज में है ये, इसमें टैग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से आपको गोटा पट्टी लेस का काम मिलता है, सिल्वर गोटा पट्टी लेस है, समोसा लेस है, इसकी नेकलाइन में पूरा अगर आप देखेंगे ना सिल्वर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस है, सिल्वर बटन्स है जो आपको नेकलाइन में लगा के दिए गए हैं, सूट बहुत प्यारा है। इसके भी रिव्यूज आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे इसके। और यहाँ पे साइड जो स्लिट्स हैं इसमें आपको सिल्वर समोसा लेस का काम है, रेस्ट सूट जो है फ्रंट और बैक दोनों तरफ से आपको प्लेन मिलता है, ठीक है, पर सूट अल्टीमेट है,
बहुत प्यारा पीस है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। इसके नेकलाइन बहुत रॉयल टच का सूट है। साथ में आपको मिलता है बॉटम कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का, इलास्टिक है ये, याद रखिएगा ये मीडियम साइज में है मेरे पास, इसमें आपको पॉकेट नहीं मिलती है, ठीक है। और ये पैंट स्टाइल बॉटम है जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ बॉर्डर का डिटेलिंग मिलता है समोसा लेस का। दुपट्टा इसका ये है, इस तरीके से दुपट्टा है इसका, इसमें भी आपको समोसा लेस का काम मिल जाता है। शाइनी फैब्रिक है इसका, तो ये भी काफी रीजनेबल है, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको मैं दिखा रही हूँ, दो आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से चंदेरी सिल्क फैब्रिक के बनारसी टच के सूट। ये मैंने अमेजोन से ही लिए थे और एक का मैं रिव्यू कर पाई, एक का मैं कभी रिव्यू मेरे चैनल पे नहीं कर पाई, क्योंकि जब एक का रिव्यू किया तो ये सारे शेड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया और कभी स्टॉक इन आया ही नहीं। तो फिर इस वजह से आई गेस इसका ट्रायल है क्या हमारे पास ऑरेंज वाले का, शायद मैंने इसका शूटिंग, फिर मैंने शायद इसका शूटिंग भी नहीं किया था, तो इसका तो है फिर भी ट्रायल मेरे पास में। तो आप एक से दूसरे का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि दूसरा पहना हुआ कैसा लगेगा। तो ये कुछ मैंने लिए थे 1500-1600 के अमेजोन से, आपको दिखाती हूँ मैं, बट अभी तो मैं इसे कम में ही सेल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर बनारसी टच का सूट है ये, वुवन वर्क आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। फ्रंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं गोल्डन गोल्डन स्टोन्स हैं जो चिपकाए गए हैं, सेंटर में बॉर्डर की डिटेलिंग है, ये एल साइज में है मेरे पास में। फ्रंट में आपको पूरा वुवन वर्क मिलता है, नीचे की तरफ बॉर्डर की डिटेलिंग है इस तरीके से, ठीक है जी। बैक साइड में भी आपको सेम इसी तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, डुअल टोन है और नीचे की तरफ भी आपको बॉर्डर का डिटेलिंग है, यहाँ पे अंदर की तरफ अस्तर है ना। आपको मिलता है साथ में इसके ये दुपट्टा पूरा बनारसी, जिसमें धूप छांव वाला इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, टैसल्स की डिटेलिंग है, साथ में आपको मिलता है बॉटम इस तरीके से चंदेरी सिल्क फैब्रिक में, बॉटम इलास्टिक दोनों है, पॉकेट भी है इसमें, और इस तरीके से पैंट स्टाइल बॉटम है बॉर्डर की डिटेलिंग के साथ में, ठीक है। अब इसी से ही आप सेकंड पीस का आइडिया लगाइएगा, क्योंकि इसका ट्रायल नहीं है मेरे पास में, ये मेरे पास में एल साइज में अवेलेबल है और ये है येलो ऑरेंज शेड में, बहुत सुंदर पीस है ये, बहुत ही सुंदर पीस। इनका ओरिजिनल प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और रीसेलिंग प्राइस भी आपके लिए मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो ले सकते हैं। पूरा वुवन वर्क है और शाइन आप देखिए, कमाल का शाइन है। नीचे आप देखो कितना प्यारा बॉर्डर का डिटेलिंग है, बहुत ही सुंदर पीस है ये। साइड से भी आप देख सकते हैं धूप छांव वाला फैब्रिक है, डुअल टोन इफेक्ट है और पीछे की तरफ भी बड़ा बॉर्डर का डिटेलिंग है, सब कुछ एकदम सूट में परफेक्ट है। इसका ये रहा बॉटम, बेल्ट इलास्टिक दोनों का काम है इसके बॉटम में, अंदर इस तरीके से पूरा अस्तर भी लगा हुआ है, ग्रीन वाले में भी अस्तर लगा हुआ है, इसमें पॉकेट भी है और यहाँ पे बॉर्डर का डिटेलिंग भी है। इसमें भी आपको मिलता है इस तरीके से दुपट्टा धूप छांव वाला और विद टैसल्स, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की बहुत अच्छी है, ये सूट भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक कुर्ता शरारा सेट, जॉर्जेट मटेरियल का बहुत सुंदर पीस है ये, और ये भी मैंने अमेजोन से दिखाया था। ये मेरे पास मीडियम साइज में है, इसमें टैग लगा हुआ है, यस ये मीडियम साइज में ही अवेलेबल है मेरे पास में। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है इसका प्रिंट, ये जो शाइन देख रहे हैं पूरा सीक्वेंस है जो आपको पूरे कुर्ते पे फ्रंट और बैक में लगा के मिलता है, जिसकी वजह से शाइन अच्छा करता है। प्रिंट आप देखो कि क्या प्रिंट है सूट के ऊपर कुर्ते पे, और ये तीन चार इस तरीके से शेड्स है इसमें, मल्टी शेड में आपको मिलता है। ये है कुर्ता शरारा सेट बेल्ट स्लीव्स के साथ में, और पूरा सूट जैसे मैंने कहा सीक्वेंस से भरा हुआ आपको मिलता है, नीचे की तरफ बॉर्डर की डिटेलिंग है उसपे भी पूरा सीक्वेंस है। बैक साइड से भी दिखाती हूँ आपको, बैक में भी पूरा सीक्वेंस लगा हुआ है पूरा। ये भी राखी के लिए काफी प्यारा ऑप्शन है मैं आपको कहूंगी, और अंदर की तरफ इसमें आपको अस्तर लगा के दिया गया है कुर्ते में। साथ में आपको मिलता है जॉर्जेट मटेरियल का ही शरारा, इसमें इलास्टिक है, अंदर अस्तर है, प्लेन शरारा है, अच्छा वाला फ्लेयर है, नीचे लेस का काम है, और ये है इसका दुपट्टा। ये भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं मुझसे, प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे है। नेक्स्ट पीस आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये है चंदेरी सिल्क फैब्रिक का सूट, और ये मीडियम साइज में है। ये भी मेरे पास दो थे अवेलेबल, मीडियम में भी था और एल में भी था। एल फिलहाल मेरे पास में खुद के लिए मैंने रखा हुआ है, मीडियम मैं सेल कर रही हूँ। ये आपको मिलता है कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ही,
थोड़ा सा इसमें भी चंदेरी इफेक्ट है मैं कहूंगी फैब्रिक में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये प्रिंटेड मिलता है, ये भी काफी अच्छा सेल हुआ था, इसमें टैग नहीं है, मीडियम साइज का है। ठीक है, आगे इसमें आप ये देख रहे हैं घुंघरू हैं जो बज रहे हैं, ये काफी सेल हुआ था, काफी खतरनाक वाला सेल हुआ है ये गोसेरी की ब्रांड का ये सूट भी। बैक साइड से भी इसमें आप देखेंगे तो प्रिंट है, ओरिजिनल मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके इसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। इस सूट में भी आपको अस्तर लगा के मिलता है, अंदर स्लीव्स की तरफ अस्तर नहीं है, ठीक है ना, बट सूट पीस बहुत प्यारा है। इसका जो बेस्ट था पार्ट वो था इसका दुपट्टा, इस वजह से मैंने इसको रीबाय कर लिया था, क्योंकि मीडियम साइज में मुझे टाइट आया था तो मैंने सोचा यार सूट बहुत अच्छा है, इसे मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इसे एल साइज में लिया, सिर्फ और सिर्फ सूट के साथ साथ इसके दुपट्टे की वजह से। ये बहुत सुंदर पीस है, इसका दुपट्टा है ना, इसमें आप देखो कितने बड़े बड़े टैसल्स हैं और कितना बढ़िया काम है, पूरा गोल्डन समोसा लेस का काम है, ऐसे टैसल्स कहाँ मिलते इतने सस्ते सूटों में यार, इसलिए इसके दुपट्टे की वजह से मैंने इसे उठाया। और ये भी क्या सेमी पार्टी वेयर सेट है, साथ में आपको इसके मिलता है ये वाला बॉटम, इसमें इलास्टिक लगी हुई है, पैंट स्टाइल बॉटम, चाहे तो आप इसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पीस आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर पीस है, ये मैंने लिया है एल साइज में है मेरे पास में, गोसेरी की ब्रांड का है ये, ये भी आपको ना कॉटन मिक्स मटेरियल का मिलता है, इसका भी जो इफेक्ट है ना वो चंदेरी सिल्क फैब्रिक वाला इफेक्ट है कुर्ते के फैब्रिक का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लोरल प्रिंट है और ये आपको ब्लू शेड में मिलता है, सिल्वर समोसा लेस का काम है, इस तरीके से पूरा आपको फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है फ्रंट में, याद रखिएगा इसमें टैग नहीं है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आप सिल्क फैब्रिक कॉटन सिल्क फैब्रिक वेयर करने में इंटरेस्टेड है तो ये सूट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इसमें भी अस्तर है, स्लीव्स में अस्तर नहीं है बट फैब्रिक सुपर सॉफ्ट है तो कोई टेंशन नहीं है। ओरिजिनल मैंने लिंक दिया है, आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक से आपको सेम इस तरीके से प्रिंट देखने के लिए मिलेगा सूट में, ओके। और फिर आपको मिलता है इसका दुपट्टा नेट का, जिसमें आपको बॉर्डर की डिटेलिंग है टैसल्स के साथ में, इसका ट्रायल मेरे पास में नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। और साथ में आपको मिलता है इसका बॉटम, बॉटम बहुत अच्छा है, इसमें आपको पॉकेट भी मिलती है, इतना अच्छा खासा इलास्टिक है और वन सिंगल शेड का बॉटम है, ये भी आप चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पीस आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये मैंने रिसेंटली ही अभी मेरे चैनल पे दिखाया था, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का है, गोसेरी की ब्रांड का है, एल साइज में मेरे पास में है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्लोरल प्रिंट है, वी नेकलाइन है और इस तरीके से पूरा प्रिंटेड आपको ये सूट मिलने वाला है, ये भी अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, पूरा फ्लोरल प्रिंट है फ्रंट और बैक में दोनों तरफ इस तरीके से, ठीक है। साथ में आपको मिलता है बॉटम, ये वाला इलास्टिक है इसके बॉटम में, पैंट में पॉकेट भी है, पूरा प्रिंटेड फ्लोरल आपको इस तरीके से सूट मिलेगा। साथ में आपको मिलता है दुपट्टा जिसमें टैसल्स हैं और पूरा एक्चुअली ये सूट ही पूरा फ्लोरल प्रिंटेड है, कुछ को इस तरीके के सूट्स पसंद आते हैं कुछ को नहीं आते हैं, तो अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है आपको कैसा सूट पसंद है, बाकी लंबाई दुपट्टे की काफी अच्छी है, प्राइस इसका भी आपके लिए स्क्रीन पे है। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ एक और सूट, ये है इंडो एरा ब्रांड से, ये भी आपको मिलता है लाइट कॉटन मटेरियल का, बहुत सुंदर पीस है ये मेरे पास में है, एल साइज में, टैग यहाँ पे लगा हुआ है और ये आपको मिलता है लहरिया डिजाइन में। ये मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या ना स्काई ब्लू, तो ये ना एकदम थोड़ा सा ना ग्रीन मिक्स है ब्लू में, एकदम बिल्कुल लाइटर स्काई ब्लू भी नहीं है, थोड़ा सा ना लाइट ग्रीन इफेक्ट मारेगा ये शेड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नेकलाइन में पूरा व्हाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एल साइज में है, लाइट कॉटन है, इस तरीके से स्लीव्स में आपको कटवर्क की डिटेलिंग है, क्रोशिया का लेस का काम है, पूरा स्ट्रेट सूट आपको मिलेगा लहरिया डिजाइन, नीचे भी कटवर्क की डिटेलिंग है, आपको इसका काम मिल जाता है क्रोशिया के लेस का, बैक साइड से सूट कंप्लीटली प्लेन है लहरिया डिजाइन, मेजर हाईलाइट सूट की ये है एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, ठीक है। और साथ में आपको मिलता है लाइट कॉटन मटेरियल का बॉटम, लहरिया डिजाइन में पॉकेट भी है, बेल्ट इलास्टिक दोनों का काम है, ठीक है। और थोड़ा इसके बॉटम में अच्छा वाला फ्लेयर भी आपको मिलता है, नीचे की तरफ आप देखिए क्रोशिया का लेस भी है, ये है इसका दुपट्टा, इसमें भी क्रोशिया का लेस का काम आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पीस जो है ये जून बेरी ब्रांड का है मेरे पास में, ये आपको मिलता है कॉटन मटेरियल का, खादी कॉटन मटेरियल का सूट,
बहुत सुंदर पीस है ये मेरे पास में, स्टाइल बेरी ब्रांड का है, मीडियम साइज में है, इसमें टैग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा जो नेकलाइन है इसमें एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, और ये जो आप गोल्डन देख रहे हैं पूरा सेल्फ वुवन वर्क है फैब्रिक में। ये सूट एक अलग ही लेवल पे, बहुत सुंदर पीस है, बहुत ही कमाल का पीस है ये बहुत सेल हुआ था, बहुत अच्छा। पूरे सूट में अगर आप देखेंगे तो टेक्सचर्ड आपको फैब्रिक मिलता है, खादी कॉटन मटेरियल का वुवन वर्क है। बैक साइड से भी आपको दिखाती हूँ, तो इसमें भी पूरा वुवन वर्क है पूरा। थोड़ा लाइटर शेड है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा इनर का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें, बट इस सूट में 10 का दम है, वो वाला की पीस है ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसमें एक पीस मेरे पास और था, वो मेरी फ्रेंड थी अनाया, उसने ले लिया था मेरे पास से, और ये है इसका बहुत सुंदर दुपट्टा, क्या आप देखिए बहुत सुंदर दुपट्टा है इसका, क्या शेडिंग है यार, कलर कॉम्बिनेशन आप देखो कितना सुंदर है, ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका, बहुत रिच है, और प्लेन क्रीम शेड का आपको बॉटम मिलता है, खादी कॉटन मटेरियल का है। बेल्ट नहीं, बेल्ट और इलास्टिक का काम है, पॉकेट भी है, और इस तरीके से सिंगल शेड का बॉटम है। नेक्स्ट और लास्ट पीस जो है ये आपको मिलता है कॉटन मटेरियल का, और ये है गोसिरी की ब्रांड से, मीडियम साइज में, ठीक है। और ये है ये इस तरीके का सूट, सिंपल सोबर सूट, और ये आपको मिलता है थिन लाइट कॉटन मटेरियल है, इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, गोल्डन जरी वर्क का काम है, और पूरा ये जो वर्क आप देख रहे हैं ये आपको फ्रंट में मिलता है इस तरीके से, ठीक है जी। बैक में नहीं है कुछ भी, प्लेन है सूट बैक में, और साथ में आपको मिलता है इस तरीके से कॉटन मटेरियल का बॉटम, बेल्ट और इलास्टिक का काम है, इसमें आपको पॉकेट भी मिलती है, और इस तरीके से पैंट स्टाइल आपको बॉटम मिलता है, लाइट कॉटन है याद रखिएगा। साथ में आपको मिलता है दुपट्टा। तो ये है आज के सूट्स, अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो डेफिनेटली फटाफट से इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।